मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया था, राइट? उसके आंसर्स और चैप्टर 16 के आंसर्स मैं आपको आज भेज रही हूँ। साथ में हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 18। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टुडेज डेट CW, राइट? और चैप्टर नंबर 18 का नेम क्या है, वॉज वेयर, राइट? बट उसके साथ नीचे क्या लिखा है, ऑल्सो रिविजन ऑफ एम इज आर। मतलब इस चैप्टर में हम वॉज वेयर का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज में साथ साथ में हमने जो चैप्टर 17 किया था एम इज आर वाला, वो भी इंक्लूडेड है। मतलब उसका भी रिविजन हमें इसमें करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव वन लाइन फ्रॉम मार्जिन, मेक अ स्टार, राइट लर्निंग पॉइंट्स। सो नंबर वन इज एम आर टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ थिंग्स नाउ। मतलब जो अभी चीज़ें होती है, नाउ का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अभी हो रही है। तो एम इज आर हमें क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन के बारे में जो वो अभी कोई भी चीज़ कर रहा हो उसके बारे में हमें एम इज आर से पता चलता है, राइट? सो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो नाउ में ना से अंडरलाइन कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो अंडरलाइन कर देने चाहिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो ना उनको। ओके, नाउ नंबर टू इज वॉज वेयर टेल अस हाउ और व्हाट समथिंग वॉज बिफोर। वॉज एंड वेयर टेल अस हाउ और व्हाट समथिंग SOMETHING समथिंग वॉज बिफोर। मतलब वॉज और वेयर हमें क्या बताते हैं, कोई भी चीज़ जो पहले हुई हो, राइट? कैसे हुई है या कब हुई है वो हमें वॉज और वेयर बताते हैं, राइट? तो वो बिफोर मतलब पास्ट टेंस में यूज़ होता है और नाउ का मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस में। तो एम इज आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, वॉज वेयर हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, राइट? नंबर थ्री इज वी यूज वॉज इन प्लेस ऑफ इज एंड वर इन प्लेस ऑफ आर। तो हम वॉज कब यूज़ करते हैं, इज की प्लेस पे, और वर कब यूज़ करते हैं, आर की प्लेस पे, राइट? तो इज कब यूज़ होता था, कोई भी सिंगुलर के लिए, मतलब वन पर्सन या थिंग के लिए। तो सेम नेक्स्ट पॉइंट में हमें वही बताया कि वी यूज़ वॉज टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। क्योंकि हम इसके प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉज कब यूज़ होगा, कोई एक ही पर्सन या थिंग के बारे में हम जब बात करते हो तब। और वर हम कब यूज़ करते हैं, आर की जगह पे। तो आर हम कब यूज़ करते थे, वी यूज़ वर टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। तो मोर देन वन के प्लेस पे हम आर यूज़ करते थे ना, मतलब मोर देन वन होता था सेंटेंस में तभी हम आर यूज़ करते थे। तो वर का भी सेम ही है, अगर हम कोई भी वन और मोर देन वन पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में बात करते हो तो हम वर यूज़ करेंगे, राइट? अभी यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स शी वॉज इन मुंबई, राइट? तो शी क्या हुआ, सिंगुलर, मतलब सिंगल पर्सन की, एक लड़की के बारे में बात की गई है। और शी इज इन मुंबई, राइट? तो इसकी जगह पे हमने वॉज यूज़ किया। तो ये सेंटेंस समझ में आया, द फ्रूट्स वर इन द बाउल, द फ्रूट्स आर इन द बाउल, राइट? तो फ्रूट्स मतलब मोर देन वन हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं और आर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? अभी हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि हमें क्या बताया चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टुडेज डेट एंड CW हियर। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 18 वॉज वेयर ऑल्सो रिविजन ऑफ एम इज आर। ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नंबर वन, सारा SARA सारा वॉज सिक यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। ओके, तो यस्टरडे मतलब पास्ट की बात की गई, इसलिए क्या यूज हुआ, वॉज। नंबर टू, यस्टरडे
YESTERDAY. Yesterday the players, PLAYERS players, were, WERE were tired. TIRED tired. अभी players मतलब more than one होंगे, तो इसलिए हमने क्या use किया, were. We use was in place of is, were in place of are. ये हमने learning points CW में भी देखे थे, right? When we talk about something that has already happened, तो was, were हम कब use करते हैं? Past tense में, मतलब जो भी चीज़ पहले हो गई है उसके उसके लिए हम use करते हैं. The word yesterday, 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 is also used to show this. मतलब अगर कोई भी सेंटेंस में yesterday word आता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा was and were. Okay? Now, look at the box given below. You will find out how the words was and were are used in the correct way. Okay? अभी देखो यहाँ पे हमें बॉक्स दिया गया है. देखो आई में कुछ नहीं होता है, मतलब आई वॉज इन क्लास वन लास्ट ईयर आप यूज़ कर सकते हो. फिर ही वॉज इन क्लास फर्स्ट लास्ट ईयर, शी वॉज इन क्लास फर्स्ट लास्ट ईयर, रघु वॉज इन क्लास फर्स्ट लास्ट ईयर, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. ओके, नियर पायल वॉज इन क्लास वन लास्ट ईयर. ओके, नाउ You were in class first last year. We were in class first last year. They were in class first last year. The girls were in class first last year. The boys were in class first last year. Raghu and Payal were in class first last year. अभी देखो I, he, she, Raghu, Payal ये सब क्या हो गए, singular मतलब single person के बारे में बात की गई, इसलिए हमने क्या use किया, was. You, we, they, the girls, the boys, Raghu and Payal क्या हो गए, plural हो गए, तो हमने क्या use किया, were. Okay, we do not use was were in sentence when we talk about things that always happen. अभी देखो जो चीज़ें हमेशा होती है तभी हम was were नहीं use करते. एग्जाम्पल आपको दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो तब वहाँ पे वॉज या वर यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, राइट? वी ऑल्सो राइट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अभी हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि न्यू दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है मतलब वो रहेगा हमेशा, तो ये इज आता है, राइट? ये पॉइंट भी आप लोगों को रिमेम्बर करना है. So now exercise A, tick the correct words in the brackets. Raghu was in class 1 last year, right? Raghu M तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, was. Uncle Tom and Aunt Helen were in Nagpur last week. अभी last week की बात की गई, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, were भी क्यों यूज़ किया, क्योंकि अंकल टॉम और आंट हेलन दोनों के बारे में बात की गई है, इसलिए. The red RED FORT red fort is in Delhi. Because हम नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि red fort दिल्ली में है और हमेशा रहेगा, right? तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, is. Number 4 is नर्मदा NAR MADA नर्मदा is a long river. तो नर्मदा भी एक लॉन्ग रिवर है और हमेशा रहेगी, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, is. Number 5 is कुतुब QUTUB कुतुब मीनार MINAR मीनार एंड जंतर मंतर JNTAR MNTR जंतर मंतर आर इन दिल्ली. अभी वर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लेसेस जो हमेशा रहने वाली है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर. नंबर 6 इज फॉक्स FOX फॉक्स इज अ कनिंग CUNNING कनिंग एनिमल, मतलब बहुत लुच्चा होता है ना फॉक्स, तो इसलिए फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल. सो आप लोगों को एक्सरसाइज A और CW में लर्निंग पॉइंट्स करने हैं. ओके, टुडे. थैंक यू.